Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you fill in the blanks with pairs of words asked in bank examinations. यदि आपको PO या क्लर्क के एग्जाम्स में सिलेक्शन पाना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करें. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस में ब्लैंक स्पेसेस को भरने के लिए 5 ऑप्शंस फॉर ईच दिए जाते हैं. हर ब्लैंक स्पेस में आपको रिक्वायरमेंट है अ पेयर ऑफ वर्ड्स जो ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली सुटेबल होगा. इस तरह के सिलेक्शन के लिए, ऑप्शंस को एग्जामिन करने के लिए आपके पास वर्ड पावर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए. इसके लिए द मैजिक ऑफ वर्ड पावर के वीडियोस मेरे आ रहे हैं, उनको भी आप ध्यान से देखें. आइए टॉपिक शुरू करते हैं. व्हाइल द पद्मावती बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म थी, रेजेज ऑन वाइल द पद्मावती रेजेज ऑन इट इज इंस्ट्रक्टिव टू ऑब्जर्व हाउ लिटिल बाय वे ऑफ अ और एन. यानी यहाँ आने वाला जो पेयर ऑफ वर्ड्स होगा वो वॉवल से शुरू होगा तो एन उस पर एप्लीकेबल होगा, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेगा तो फिर ए की जरूरत पड़ेगी, इसलिए दोनों दिया गया है. ब्लैंक स्पेस नंबर 1, रिएक्शन बाय द गवर्नमेंट. अब आइए बाय द गवर्नमेंट कैसा रिएक्शन होना चाहिए तो ऑप्शंस को एग्जामिन करें. ब्लैंक स्पेस नंबर 1 के लिए 5 ऑप्शंस आपके पास हैं. नंबर 1, कैनोनिकल फिटिंग. कैनोनिकल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू और ऑर्डर्ड बाय द कैनन लॉ, धर्म वैधानिक. यहां गवर्नमेंट का रिएक्शन है तो वो धर्म वैधानिक होगा नहीं, उसे पॉलिटिकल होना चाहिए, ऑथोरिटेटिव होना चाहिए. यानी आपका ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेटेड हो गया. नंबर बी है कस्टमरी, प्रथागत, रीति रिवाज, कस्टम से रिलेटेड. वो कस्टम से रिलेटेड होगा नहीं, बोनाफाइड का मतलब जेन्युइन, अतः ये भी आपका इजिली एलिमिनेटेड हो गया. सी है आपका फर्म, स्टाउट. यहां रिएक्शन को फर्म या स्टाउट, मजबूत, दृढ़ होने की आवश्यकता नहीं है. सो ऑप्शन नंबर सी भी आपका एलिमिनेटेड हुआ. नंबर डी, ऑथोरिटेटिव. यस, गवर्नमेंट है तो उसकी ऑथोरिटी होगी. ऑफिशियल, यस, ये फॉर्मल होगा, ऑफिशियल होगा. यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जा रहा है तो आप ब्लैंक स्पेस में ऑप्शन नंबर डी के पेयर ऑफ वर्ड्स को फिल इन कर लें. नंबर ई, क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, पैरामाउंट, सुप्रीम, आले दर्जे का. ये पेयर भी एप्रोप्रिएट नहीं जा रहा है सो आपका ऑप्शन नंबर ई भी इजिली एलिमिनेटेड हो गया. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा यदि वर्ड पावर आपके पास है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर है तो कितनी जल्दी आप सेलेक्ट कर सकते हैं राइट ऑप्शन को. ऑप्शन नंबर डी, ऑथोरिटेटिव, ऑफिशियल, दोनों में से कोई एक यहां भर देंगे. यानी दोनों यहां सुटेबल है, बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली. व्हाइल द पद्मावती रेज इज ऑन इट इज इंस्ट्रक्टिव टू ऑब्जर्व हाउ लिटिल बाय वे ऑफ एन ऑथोरिटेटिव और एन ऑफिशियल रिएक्शन बाय द गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्थकमिंग इन द फेस ऑफ पब्लिक. ब्लैंक स्पेस नंबर 2, मेड इन द फुल ग्लेयर ऑफ नेशनल मीडिया. यानी यहां क्रोध है लोगों का. अब जब लोगों का क्रोध होगा तो वास्तव में वो इविल की ओर ही दिखाएगा, तोड़फोड़, आर्सन, सैबोटाज. अब देखते हैं इसके लिए कौन सा पेयर एप्रोप्रिएट आता है. तो लेट अस एग्जामिन द 5 ऑप्शंस टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 2. नंबर ए है डिमांड्स, अपील. अब यहां हैज बीन फॉर्थकमिंग इन द फेस ऑफ पब्लिक, ब्लैंक स्पेस, मेड इन द फुल ग्लेयर ऑफ नेशनल मीडिया बाय दोज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फिल्म एज वेल एज द लीडर्स ऑफ इट्स ओन पार्टी, द गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड नो सब्सटैंटिव कमेंट. तो यहां डिमांड्स और अपील की बात नहीं है, मांग या अनुरोध की
का सेंस नहीं जा रहा है. सो नंबर ए इज एलिमिनेटेड. प्रिसेजेज, यस ओमेंस, अपशकुन, बोर्डिंग इविल, थ्रेड्स, यस इस तरह के जोखिम हो सकते हैं. राइट ऑप्शन इजिली फाइंड आउट हो गया. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. प्रिसेजेस, थ्रेड्स. सी रैमपार्ट्स, एक प्राचीर, एक हाई वॉल सराउंडिंग ए फोर्ट टू गिव इट प्रोटेक्शन, ऐसा सेंस नहीं है. स्टेप्स, डंडे, लाठी, स्टाफ का बहुवचन है ये. नंबर डी अबटमेंट, बैकिंग. अबटमेंट का मतलब होता है ए स्ट्रक्चर बिल्ट टू सपोर्ट द लैटरल प्रेशर ऑफ एन आर्क, एक तरह का सहारा, बैकिंग सहारा. ये भी इजिली एलिमिनेटेड हो गया. सी भी आपका एलिमिनेटेड हुआ. नंबर ई कंट्रोवर्सी, विवाद, विरोधाभास, अफेयर्स, इश्यूज, मामले, ऐसा भी अर्थ नहीं है. सो स्टूडेंट्स, ब्लैंक स्पेस नंबर टू को फिल इन करने के लिए राइट ऑप्शन आपका है नंबर बी, प्रिसेजेस और थ्रेट्स. ये आपका बी चला गया. व्हाइल द पद्मावती रेज इज ऑन, इट इज इंस्ट्रक्टिव टू ऑब्जर्व हाउ लिटिल बाय वे ऑफ एन अथॉरिटेटिव और ऑफिशियल रिएक्शन बाय द गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्थकमिंग इन द फेस ऑफ पब्लिक प्रिसेजेज और थ्रेट्स मेट इन द फुल ग्लेयर ऑफ नेशनल मीडिया by those protesting against the film as well as the leaders of its own party, the government has offered no substantive comment. Let us continue the passage for blank spaces 3 and 4. Instead, several states have acted by banning the film without having seen it. At a time when a comment on social media can get young people into jail, the people making the very gruesome threats against some well-liked public figures have faced no blank space number three whatsoever. अब आइए options को examine करें. तो number A आ रहा है backlash और reverberation reaction. प्रतिक्रिया, ऐसा कोई मीनिंग यहां नहीं है. सो नंबर ए इज एलिमिनेटेड. रिपरकशन और सपोर्ट. रिपरकशन मीन्स इफेक्ट, इंपैक्ट, नतीजे. सपोर्ट सहारा, बैकिंग. दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक. सो इट इज एलिमिनेटेड. नंबर सी एलाक्रिटी, रेडीनेस, तत्परता. हुपला, फर्श, गड़बड़, मेकिंग ए फस अबाउट नथिंग. सो दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक, हेंस एलिमिनेटेड. नंबर डी लाइनिंग, लेयरिंग, परत, स्टांसन, ए बंबू, एक तरह का डंडा टू सपोर्ट द रूफ. दिस इज ऑल्सो नॉट सुटेबल हियर, हेंस एलिमिनेटेड. नंबर ई निगेशन, एक्शन. अब यही बचा है. यस यस, विच बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका. अगेंस्ट सम वेल लाइक्ड पब्लिक फिगर्स हैव फेस्ड नो निगेशन, नो एक्शन. दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई. टू फिल इन ब्लैंक नंबर, ब्लैंक स्पेस नंबर थ्री. निगेशन और एक्शन व्हाटसोएवर. This has already invited much criticism on social media. What is how easy for the state to ignore the critics and go about its business unaffected. यानी एकदम चौंका देने वाला चीज है ये. आइए इस तरह का ऑप्शन ढूंढते हैं to fill in blank space number four. नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, स्ट्राइकिंग, स्टार्टलिंग. बिल्कुल सही ऑप्शन पकड़ा गया स्टूडेंट्स. नंबर बी आपका नोटिसेबल, एविडेंट, नो, जो दिखाई पड़ जाए, जो स्पष्ट हो, एलिमिनेटेड. क्रॉनिक, लास्टिंग फॉर लॉन्ग, कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज के लिए, ए प्रॉब्लम दैट हैज नो क्योर, ला इलाज. इनविटरेट, डीप रूटेड. सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड.
more debatable, dubious, full of doubt. This is not appropriate to fill in the blank. Contrasting, bhedbhav karne wala, antar karne wala, distinguish karne wala, unusual, abnormal, asaman. So this is also eliminated. Hence, the right option is number A, a striking, a startling, to fill in the blank, to fill in blank space, number 4, number A. Instead, several states have acted by banning the film without having seen it at a time when a comment on social media can get young people into jail. The people making the very gruesome threats against some well-liked public figures have faced no number E, negation or action whatsoever. This has already invited much criticism on social media. But what is striking or startling? Kya hai chauka dene wala? Is how easy for the state to ignore the critics and go about its business unaffected. Is tarah se students, aap fill in the blank mein chahe ek word bharna ho ya pair of words bharna ho, you must have a very strong word power. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.